गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय डेली व्यू चैनल। मैं बढ़िया हूँ एंड आई होप आप भी बढ़िया होंगे। आज हम बात करेंगे इंडिया गेट और नेशनल वॉर मेमोरियल जो दिल्ली में है, हम आपको उसके बारे में पूरी डिटेल बताएंगे। तो आप वीडियो में बने रहें और चलिए चलते। इंडिया गेट दिल्ली का ही नहीं, भारत का महत्वपूर्ण स्मारक है। इंडिया गेट को 80,000 से अधिक भारतीय सैनिकों की याद में निर्मित किया गया था जो प्रथम विश्व युद्ध में शहीद हो गए थे। इंडिया गेट एडविन लैंडसियर लुटियंस द्वारा डिजाइन किया गया था और इसका निर्माण 1931 में पूरा हुआ। यह शुरुआत में इस स्मारक का नाम ऑल इंडिया वॉर मेमोरियल रखा गया था, लेकिन बाद में इसको इंडिया गेट कर दिया गया। गेट के नीचे जो अमर जवान ज्योति हमारे शहीद सैनिकों के याद में हमेशा जलती रहती थी, अब उसको नेशनल वॉर मेमोरियल जो बना है उसमें उस अमर जवान ज्योति को शिफ्ट कर दिया गया है। वहाँ ये अमर जवान ज्योति हमारे सैनिकों की याद में सुसज्जित है। इंडिया गेट की ये प्लेस पहले खाली थी, लेकिन सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पे सुभाष चंद्र बोस की स्टैचू यहाँ लगाई गई। ये अब हम जानते हैं नेशनल वॉर मेमोरियल जो बिल्कुल इंडिया गेट के सामने बना, हमारे शहीद सैनिकों की याद में बनाया गया है, उनके सम्मान में श्रद्धांजलि में बिल्कुल इंडिया गेट के सामने बनाया गया है। 2019 में बनकर तैयार हुआ नेशनल वॉर मेमोरियल। इसको बनाने का उद्देश्य देश की आज़ादी के बाद शहीद हुए सैनिकों की सम्मान करना, उन्हें श्रद्धांजलि देना है। कुल शहीदों का 25,942 शहीदों के नाम इसमें सुसज्जित हैं। इंडिया गेट सर्किल नई दिल्ली भारत में स्थित है। आर्किटेक्ट योगेंद्र चंद्र हासन वीवी डिजाइन लैब चेन्नई में बनाया गया है। इसका उद्घाटन स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 फरवरी 2019 को किया है, जिसे अखिल भारतीय युद्ध स्मारक भी कहा जाता है। उन सैनिकों को श्रद्धांजलि देता है जिन्होंने सन 1962 के भारत चीन युद्ध, सन 1947, 1965, 1971 के भारत पाक युद्ध और सन 1999 के कारगिल संघर्ष एवं श्रीलंका में भारत के साथ सेना ऑपरेशन में अपने प्राणों का बलिदान दिया। 40 एकड़ क्षेत्र में फैला यह वॉर मेमोरियल सुसज्जित है। यहाँ अगर आपको उस शांति को महसूस होगी जिसमें हमारे वीर सपूतों ने अपना बलिदान दिया, युद्ध के लिए अपने बलिदान दिया, याद है यहाँ आपको कण कण में बसी हुई है, हर जगह आपको देखने को मिल जाएगी। जो लोग आप लोग दिल्ली आते हैं जरूर इस चैनल को एक्सप्लोर करें, आप लोगों के वीर शहीदों को श्रद्धांजलि दें। चलिए हम लोग चलते हैं नेशनल वॉर मेमोरियल नेशनल वॉर मेमोरियल तक पूरे देशवासियों को और हमारे शहीद जवानों को बहुत अच्छा श्रद्धांजलि दिए हैं। हाँ, इंडिया गेट पहले भी था लेकिन अमर जवान ज्योति वहाँ जलता था और इंडिया गेट में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो लोग शहीद हुए थे उनमें बहुत सारे अंग्रेजों का सैनिकों भी नाम वहाँ खुदाई करके रखा हुआ है। लेकिन आज़ादी के बाद जो सैनिक हमारे शहीद हुए, जितने भी जंग इंडिया ने लड़ी है, उनके सम्मान में उनके श्रद्धांजलि के लिए ये जगह बनी है। यह बहुत ओवर ड्यू था ये। हाँ, बस एक काम और बाकी रह गया है, हमारे आज़ादी की लड़ाई में जो इंडियन नेशनल आर्मी का कंट्रीब्यूशन था, आज़ादी फौज का, उनका भी एक वॉर मेमोरियल दिल्ली में ड्यू है। सुनने में आ रहा है वो भी सरकार के प्रोग्राम में है, रेड फोर्ट के पास या बाहर या उसके अंदर में कहीं पर बनने वाला है, सुने हैं। तो वो हो जाएगा तो ये काम कम्प्लीट होगा।
वो INA वालों का ड्यू है, इसमें INA वालों का नहीं है। हम लोगों ने डिमांड किया था, मेरी संगठन वालों ने और जनरल डी बक्सी साहब ने बहुत डिमांड किया था कि हाँ INA वालों को भी एक शामिल किया जाए। वो दुखद बात है कि इसमें नहीं हो पाया, लेकिन वो उसका अलग से मोदी जी बोले हैं कि उसका अलग से भी बनेगा, तो यही है। थैंक यू। यहाँ एयरक्राफ्ट कैरियर को दिखाया गया है, लोग यहाँ आके सेल्फी ले रहे हैं, अपने जवान को याद कर रहे हैं। यहाँ आर्मी को दिखाया गया है जो लड़ते हुए कैसे शहीद हुए थे। यहाँ देखिए पूरी आर्मी बटालियन को दिखाया गया है। गंगा सागर की लड़ाई में यहाँ कैसे हुआ था, ये सारे यहाँ पूरी कहानी इसकी लिखी हुई है। ये गंगा सागर की लड़ाई को दिखाया गया यहाँ पूरा डेकोरेट करके, जैसे पाकिस्तान के साथ चितवाल की लड़ाई दिखाया गया है, चितवाल में कैसे लड़ाई हुआ था। हर बार पाकिस्तान के साथ ही लड़ा, हर बार पाकिस्तान को उनकी खानी